हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। सो दिस इज बबली गविया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट लोसल। आज की क्लास में हम सीखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने पास्ट परफेक्ट तक क्लियर कर लिया था, आज हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट में आपने सीखा था, रिटर्न करना भी सीखा था, और स्पीकिंग में आपने प्रैक्टिस की थी कि वे सीकर पहुंच चुके हैं। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था। उसके बाद आपने सीखा था वे सीकर पहुंच चुके थे। अब आप सीखोगे कि वह सीकर पहुंच चुका होगा फ्यूचर में, ना? तो वहां पर आपको हिंदी पहचान क्या मिलेगी? चुका होगा, चुके होंगे, ना? वह खाना बना चुकी होगी, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका होगा। तो कहने का मीन है, जिन हिंदी सेंटेंसेज के लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, ना, ये आए ना, तो वहाँ पे हमें कौन से टेंस का यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो मुझे जल्दी से बताओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव। क्या होती है? विल हैव एंड शैल हैव। ओके, और इसकी मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में अपन ने क्या किया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट में हमने क्या किया था? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। अब फ्यूचर परफेक्ट में भी आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे वहां पहुंच चुके होंगे? प्रेजेंट में आपने क्या बनाया था? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या वे वहां पहुंच चुके हैं, ना? तो आपने सेंटेंस में किया था क्या वे वहां पहुंच चुके हैं, तो हैव दे रीच्ड देयर। ओके, उसके बाद आपने सेंटेंस में किया था क्या वह सीकर पहुंच चुका था, तो आपने बनाया था हैड ही रीच्ड टू सीकर। अब मैं बोलू क्या वह सीकर पहुंच चुका होगा, तो आपको क्या करना है? विल ही हैव रीच्ड टू सीकर। आप जैसे इमेजिन करते हो ना कि यार क्या वह सीकर पहुंच चुका होगा, क्या है ना, तो उसमें आपको क्या करना है? विल ही हैव रीच्ड टू सीकर। आगे बात समझ में? अब आपको पॉजिटिव रिप्लाई करना है कि वह सीकर पहुंच चुका होगा। सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन करता है, विल ही हैव रीच्ड टू सीकर, तो अगला पूछ रहा है क्या वह सीकर पहुंच चुका होगा, क्या वह स्कूल पहुंच चुका होगा, विल ही हैव रीच्ड टू स्कूल। अब आपका कुछ भी रिप्लाई हो सकता है, वह स्कूल पहुंच चुका होगा, वो तो कॉलेज पहुंच चुका होगा। फिलहाल आपको इसका रिप्लाई देना है कि वह सीकर पहुंच चुका होगा, तो क्या होगा? He will have reached to seeker. What did I write here? He will reached to seeker. वह seeker पहुंच चुका होगा. Okay? अब इसका negative reply होगा कि वह seeker नहीं पहुंच चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? He will not want. He won't have reached to seeker. He won't, will not को want बोलते, okay? He won't have reached to seeker. Next आपका example है, वो है क्या वह खाना बना चुकी होगी? What did I speak? I spoke that क्या वह खाना बना चुकी होगी? Okay? तो इसको English में translate करना है, कैसे करोगे? Will she have made food? बनाने को क्या बोलते हैं? Make की थर्ड फॉर्म क्या होगी? Made. Will she have made? क्या वह बना चुकी होगी खाना, तो क्या हो जाएगा? Food. अब आपको पॉजिटिव रिप्लाई करना है कि वह खाना बना चुकी होगी. ओके, सो ट्रांसलेट इन इंग्लिश, शी will have made food.
डिसाइड किया, शी विल हैव मेड फूड, वह खाना बना चुकी होगी। इसका पॉजिटिव रिप्लाई, वह खाना नहीं बना चुकी होगी, तो शी वॉन्ट हैव मेड फूड, शी वॉन्ट हैव मेड फूड, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ मैं? ओके, ये तो एग्जाम्पल है, आपको तो ज़्यादा स्पीकिंग करनी है, एग्जाम्पल के थ्रू बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी में सेंटेंस जो भी बोलते हो उनको आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है। ओके, जैसे आप बोलते हो, हिंदी में बोलते हो ना, क्या वह अपना वर्क कंप्लीट कर चुका होगा? चुका होगा। अब इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलोगे? विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या होगा? हिज वर्क। अगर शी है तो क्या हो जाएगा? हर वर्क। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह यहाँ रह चुका होगा? रहने को क्या बोलते हैं? लिव, लिव की थर्ड फॉर्म लिव। तो ट्रांसलेट करो देखें इंग्लिश में, तो विल ही हैव लिव्ड हियर, क्या वह यहाँ रह चुका होगा। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है? लुक एट व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, क्या वह उस कंपनी में काम कर चुका होगा? What did I speak? I spoke that. क्या वह उस कंपनी में काम कर चुका होगा? फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, तो ट्रांसलेट करो, विल ही हैव वर्क की थर्ड फॉर्म वर्क डिंग। ये सेंटेंस आपका क्या मेक हुआ? क्या वह काम कर चुका होगा उस कंपनी में? तो इन दैट कंपनी, आपको बोलना है इस कंपनी में, तो क्या बोलोगे? इन दिस कंपनी। फिलहाल मैंने यहाँ पे बोला है उस कंपनी में, तो क्या होगा? इन दैट कंपनी। ओके, अब इसका पॉजिटिव रिप्लाई करना है कि वह उस कंपनी में ना काम कर चुका होगा, तो क्या होगा? ही विल हैव, ही विल हैव वर्कड इन दैट कंपनी। ओके, ही विल हैव वर्कड इन दैट कंपनी, वह उस कंपनी में काम कर चुका होगा। नेगेटिव रिप्लाई कैसे करोगे? ही वॉन्ट हैव वर्कड इन दैट कंपनी, इट मीन्स वह उस कंपनी में काम नहीं कर चुका होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो कुछ सेंटेंस हिंदी के मैं आपको देती हूँ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस? सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी? ट्रांसलेट इन इंग्लिश, विल द क्लास, क्या बोलोगे? विल द क्लास हैव स्टार्टेड, क्या क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी? ओके, क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, क्या बोलोगे? द क्लास विल हैव स्टार्टेड। ओके, क्लास स्टार्ट नहीं हो चुकी होगी, क्या बोलोगे? द क्लास वॉन्ट हैव स्टार्टेड। ओके, क्या वह यहाँ पहले काम कर चुका होगा? विल ही हैव वर्कड हियर बिफोर, वह यहाँ पहले काम कर चुका होगा। ही विल हैव वर्कड हियर बिफोर, वह यहाँ पहले काम नहीं कर चुका होगा, क्या बोलोगे? ट्रांसलेट करो, ट्राई टू। ही वॉन्ट हैव वर्कड हियर बिफोर। ओके, चलो मैं कुछ आपको हिंदी के सेंटेंसेस देती हूँ, आपको क्या करना है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। ओके, आई एम गोइंग टू रफ दिस। ओके, माय फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, एकदम इजी वे में बताने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, हमारा फर्स्ट सेंटेंस यह है, क्या आप उससे मिल चुके होंगे?
ओके, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो यू नो ऑलरेडी, आपको पहले से पता है कि भाई पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ओके, एंड आवर सेकंड सेंटेंस इज हियर, क्या वे मैच जीत चुके होंगे? क्या वे मैच जीत चुके होंगे? ओके, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राहुल वह कंपनी ज्वाइन कर चुका होगा? ओके, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, ओके, आपका ये जो सेंटेंस है वो है मेहमान आ चुके होंगे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैंने आपको ज्यादा सेंटेंस मेक करने के लिए नहीं दिए हैं, ओनली मैंने आपको 4 सेंटेंस दिए हैं जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ आपको पढ़ा चुकी हूँ, अच्छे से इजी वे में बता चुकी हूँ। ठीक वैसे अगर आपको समझ में आया है तो आप इजी वे में ये मेक कर लोगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो शोर सी बात है, प्रॉब्लम होगी। और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी मैं आपको ये राइट क्यों करवा रही हूँ, मैं आपको इसीलिए राइट करवा रही हूँ, जब आप राइट करोगे ना तो आपके माइंड में सारे सेंटेंसेज ना एक बार आप रिपीट कर लोगे इनको ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बस राइट कर दिया, अब आप भूल जाओगे, शोर सी बात है। आपको ज्यादा क्या करना है, स्पीकिंग करना है, पहले आपको राइट करना है, ये मेक करने की कोशिश करना है। उसके बाद अगर आपने मेक कर लिया, अच्छे से आपने बना लिया सेंटेंस, उसके बाद आपको क्या करना है, एक वर्ब ले लो, टू वर्ब ले लो, उससे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस मेक करके स्पीकिंग वे में लेकर आना है। ओके, समझ में आया, क्या वह मेरे घर पहुंच चुका होगा? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, विल ही हैव रीच्ड एट माय होम? ओके, अच्छा फॉर एग्जांपल, क्या ये चेयर टूट चुकी होगी तो क्या हो जाएगा, विल दिस चेयर हैव ब्रोकन? यह चेयर टूट चुकी होगी, क्या बोलोगे, दिस चेयर विल हैव ब्रोकन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिया है। और अब आपके 3 टेंसेज और बच्चे हैं, कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद आपका जो बेसिक लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपने बहुत सारे सेंटेंसेज है वो अच्छे से आपने रीड किए हैं और अच्छे से आपने सीखा है, इनको स्पीकिंग वे में लेकर आओ ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ओनली 1 डे की, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ऑफ एडवांस लेवल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे जिसमें आप WH वर्ड सीखोगे, बहुत सारे यूजेस सीखोगे, किसी भी सीन को देखकर इंग्लिश टू इंग्लिश डिस्क्राइब करना सीखोगे, कोई भी आपके सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये फोन दे दिया, ओके, अब कोई भी आपको बोले कि इसको इंग्लिश टू इंग्लिश डिस्क्राइब करो तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश इसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। तो कहने का मतलब वो तो बात की बात है, बट उससे पहले आपको ये क्लियर करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।